बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं भिंडियों से बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनाऊंगी। ये भिंडियाँ मैंने काट ली थी धो के अच्छी तरह से, और प्याज भी जो है मैंने रफली चॉप कर लिए हैं, हरी मिर्चें जो हैं वो भी। हम सारी चीज़ें चॉप करेंगे चॉपर मशीन के अंदर डाल के। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार ये रेसिपी बनके तैयार होगी। ये देखें जी, भिंडियाँ जो है हमारी चॉप हो चुकी हैं। अब इसके अंदर जो है हम मसाले डालेंगे। हाफ टेबल स्पून जो है वो मैंने नमक डाला है इसके अंदर, या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और जी हम इसके अंदर डालेंगे दड़ा मिर्च, वो भी हाफ टेबल स्पून मैंने डाली है। सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे हाफ टी स्पून, क्योंकि चिली फ्लेक्स जो है ना वो मैंने चम्मच जो है भर के डाली है, इसलिए सुरख मिर्च जो है हम थोड़ी सी डालेंगे। हल्दी डालेंगे हम हाफ टी स्पून। सूखा धनिया डालेंगे हम हाथ की मदद से इसको क्रश करके। और अंदर डालेंगे बेसन के 3 चम्मच भर के, बड़े वाले खाने वाला जो चम्मच होता है वो। और इसको पकौड़ों की तरह हम इसका बैटर रेडी कर लेंगे। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है भिंडियों में, और प्याज का जो पानी था वो भी है इसके अंदर। ये देखें जी, मसाला हमारा रेडी हो गया। अब हम इसको फ्राई करेंगे, और जो प्याज हैं, जो इसका मसाला हमने रेडी करना है, उसके लिए मैंने लिया प्याज और टमाटर और हरी मिर्चें। इसका हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको पेस्ट बना लेंगे, और चलते हैं चूल्हे की तरफ। कढ़ाई में मैंने हाफ कप जो है ऑयल डाला है, और जो हमने पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर डालेंगे। जब तक हमारे पेस्ट का पानी खुश्क होता है, तब तक हम अपनी भिंडियों के मसाला जो बनाया है उसके बाद रेडी कर लेते हैं, उनको फ्राई करते हैं। ये देखिए जी, ऑयल जो है हमारा वो गर्म हो गया है, और हम अपनी भिंडियों को जो हमने बनाया था उसको करेंगे फ्राई। और आप किसी भी शेप में बना सकते हैं इसको, कोफ्तों की तरह आप इसको गोल बनाएं, टिक्की की तरह आप बना सकते हैं इसको, चिपटा बना सकते हैं, ऐसे शेप के बगैर भी बना सकते हैं, जिस तरह आपको ईजी लगे आप कर लें। ये देखेंगे माशाल्लाह से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। ये देखें जी, फ्राई हो चुकी हैं हमारी। इसी तरह हम सारे जो हैं वो इस तरह रेडी कर लेंगे। और जो व्यूअर्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दें। ये देखें जी, फ्राई हो रहे हैं, और तब तक हम मसाले जो हैं वो अपने डालते हैं इसके अंदर। जो है वो पानी जो है वो खुश्क हो गया, और इसके अंदर हम मसाले डालते हैं। हाफ टी स्पून जो है वो हरी सुरख मिर्च डालेंगे इसके अंदर। ये भी दड़ा मिर्च मैंने डाली है इसके अंदर हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून जो है वो हम हल्दी डालेंगे इसके अंदर। नमक डालेंगे इसके अंदर, हसबे ज़रूरत आप डाल सकते हैं नमक, जितना आप लोगों को पसंद है। और इसको पानी खुश्क होने तक हम पकाएंगे। इसका मसाला जो है, ग्रेवी जो है वो अच्छी तरह से रेडी हो जाए। हाफ कप जो है इसके अंदर मैं दही डालूंगी, फेंटा हुआ दही जो है वो मैंने डाला है इसके अंदर।
माशाल्लाह से हमारे पकोड़े ही समझ लें इनको, वो रेडी हो गए हैं और मसाला भुनने तक हम इंतज़ार करते हैं, फिर इसको उसके अंदर डालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त सा मसाला जो है वो हो गया रेडी। अब ये देखिए माशाल्लाह, अब इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि हमारी जो ग्रेवी है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त खाने में भी बड़ी मज़े की लगे। और सारे जो पकोड़े हमने बनाए थे ना भिंडियों के वो हम डाल देंगे इसके अंदर। और आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। माशाल्लाह से देखें बहुत ही सस्ते में आपकी बन जाने वाली ये रेसिपी, 8 बंदे आराम से इसको खा सकते हैं। और हमारा जो है 150 खर्चा आया इस पर। देखें इतनी महंगाई में अगर हम इस तरह के खाने बना के घर वालों को दें तो वो भी खुश होंगे कि इतने सस्ते में हमें जो है खाना मिल रहा है। चलें जी व्यूवर्स, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।